हाँ जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, सो क्वेश्चन 50 कहता है चारू एंड दीपिका आवर पार्टनर्स। तो दो पार्टनर है इस क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा ये, और डीके गोयल बुक का नाम है। चलिए, चारू एंड दीपिका, चारू एंड दीपिका हमारे पास दो पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, दे एडमिटेड ईशा एज न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद एडमिशन किसका हुआ है, ईशा है इसका, ये एडमिशन हुआ है एज अ पार्टनर। ठीक है, एंड और इसके एडमिशन के बाद न्यू पीएसआर इन्होंने बताया है अपना 4:3:2, 4:3:2। चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ऑन द डेट ऑफ ईशाज एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ चारू एंड दीपिका डिस्क्लोज जनरल रिजर्व। अब ईशा के एडमिशन के समय जनरल रिजर्व का बैलेंस आ रहा है, चारू एंड दीपिका की बैलेंस शीट में कितना आ रहा है, ये 1,20,000 रुपए, ये जनरल रिजर्व है। उसके बाद पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिखा रहे हैं ये लोग, यानी ये लॉस है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये 40,000 रुपए का लॉस दिख रहा है बुक्स में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स भी बताया है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं बुक्स में इनके, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, बुक वैल्यू है 2,00,000 रुपए, और रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है बुक्स में, बना रखा है इन्होंने 60,000 रुपए का रिजर्व बना रखा है। इसके अलावा क्या कहता है क्वेश्चन, द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन ईशाज एडमिशन। इनके अलावा कहता है ये चीजें तय हुई हैं ईशा के एडमिशन पर। पहला, ईशा विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब ईशा क्या लेकर आएगी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन क्या दी इन्होंने कि जो ईशा आएगी कैश में कैपिटल लाएगी ₹3 लाख, 3 लाख रुपए नगद कैपिटल के लिए, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आएगी कैश में। उन्होंने बताया नहीं है अभी कितना लेकर आएंगे, देखो आगे इंफॉर्मेशन कुछ हो शायद। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000। गुडविल कितनी बताई है एडमिशन पर, ₹180, तो ये आप अपने आप निकाल लेंगे। प्रीमियम कितना लेकर आएगी वो कैश में, वो भाई कितने शेयर के लिए आई है, देखिए 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, यानी 1,80,000 में 2:9 के लिए आई है ईशा। ठीक है, तो जरा देखें ये कितने से गए, 9 से, ये 20,000, ये 40,000 रुपए कैश में लेकर आएगी। ठीक है, तो हमने वर्किंग नोट बना लिया यहां पर ही, आप इसे वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, चाहे मैंने गिवन पार्ट में ही सॉल्व कर दिया है इसको। चलिए इसके बाद देखें, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2,30,000। एक इंफॉर्मेशन क्या दी है इन्होंने कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की, जो मार्केट वैल्यू है वो है ₹2,30,000, 2,30,000 रुपए मार्केट वैल्यू है। चलिए तो अब हम आते हैं सीधा सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में हम, इन्होंने मांगा क्या है हमसे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी है कि भैया जरूरी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी वो आप कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है। ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स से रिलेटेड है, ये सभी ओल्ड पार्टनर्स को बटनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम पिछले क्वेश्चन में समझ कर आए हैं कि जितना रिजर्व है उसके अगेंस्ट अगर मार्केट वैल्यू में कोई रिडक्शन है तो वो एडजस्ट करेंगे, बाकी रिजर्व पार्टनर से बांट देंगे। मार्केट वैल्यू अगर अप है तो जितना इंक्रीज हुआ है वो भी पार्टनर्स को गेन में मिल जाएगा, और रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। यहां पर ये जो है पार्ट, ये हमने पिछले जो इससे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें आ रहा था कि ईशा कैपिटल लेकर आई है तो उसकी जर्नल एंट्री करनी है, प्रीमियम लेकर आई है उसकी भी जर्नल एंट्री होगी, और ये प्रीमियम सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो मुझे बस एक वर्किंग नोट बनाना है, दैट इज सेक्रीफाइजिंग रेशियो का। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का वर्किंग नोट बनाने के बाद हम सीधा जर्नल एंट्री पर चलेंगे और वहीं पर कैलकुलेशंस वर्किंग अपनी कर लेंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो, जो मुझे इस प्रीमियम को बांटने के लिए चाहिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट
कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। तो पार्टनर्स के नाम देखिए हैं चारू, दीपिका और ईशा, ये तीन पार्टनर हैं। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में चारू, दीपिका एंड ईशा लिखा मैंने, ठीक है। ओल्ड रेशियो देखिए, अगर चारू और दीपिका तो रेशियो है 3:5 एंड 2:5, ठीक है, 3:2। और अगर बात करें ईशा, तो ईशा की तो ओल्ड रेशियो जीरो थी। चलिए इसमें से हमें क्या माइनस करना है? न्यू, जो क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ है 4:3:2, तो ये कितना हो गया 4:9, 3:9 एंड 2:9। इसे फर्दर सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 45। चलिए 45 एलसीएम आ गया, तो ये कितने से गया हमारा 9 से, 9 3 में 27, 9 3 27। अच्छा ये कितने से गया 5 से, तो 5 गुना में 4 20, तो ये आ गया 7:45। यहां पर बात करें एलसीएम, यहां भी 45 आएगा हमारा, ये फिर कितने से गया 9 से, 9 गुना में 2 18, और ये गया 5 से, तो 5 गुना में 3 15, ये आ गया 3:45। अच्छा यहां पर बात करें तो ये माइनस का 2:9 ही है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, आपको जल्दी क्लैरिटी में समझ में आ जाए, वैसे आप इन दोनों का सम टोटल करेंगे तो 2:9 ही आता है, बट मैं वो ना करा के आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को 45 बनाते हैं, एक्चुअल में डिनोमिनेटर 45 बनाना है, तो क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, और अब आप देखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास माइनस में 10:45। तो देखिए 7 + 3 10, यानी इसका जो गेन हुआ है, जो ईशा है, इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया किस रेशियो में? इसने भी सैक्रिफाइस किया और इसने भी सैक्रिफाइस किया, किस रेशियो में? 7:3 में। तो हम कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी कितनी आ गई है? 7:3। चलिए जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वर्किंग नोट बन गया हमारा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज यहां मैं स्टार्ट कर देता हूं आप लोगों के साथ, ये हमारा जर्नल आ गया। जर्नल में सबसे पहले इस वाले पार्ट को क्लियर कर लें, ठीक है ना, फिर उधर चलते हैं, ठीक है। तो ईशा जो आई है वो कैश लेकर आई है, पार्टनर है हमारे पास, ठीक है ना, किस किस चीज के लिए? अपनी कैपिटल के लिए, ईशाज कैपिटल, ठीक है, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो भी कैश में ही लेकर आए। कैलकुलेट हमने किया है, इसे आप वर्किंग नोट नंबर दे सकते हैं, यहां भी वर्किंग नोट का रेफरेंस डाल सकते हैं। चलिए तो कितना आया 3 लाख ही था ना इसका कैपिटल, मैंने देखा नहीं था शायद ध्यान से, मैं एक बार दोबारा देख के बताऊं आपको। हाँ जी 3 लाख ही कैपिटल है, मैंने, मुझे ऐसा लगा मैंने लिख तो दिया था पर ध्यान नहीं दिया। 3 लाख रुपीज की कैपिटल है और 40,000 ये लेकर आई है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये कितना हो गया टोटल 3,40,000। नरेशन क्या दे देंगे? बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय ईशा, ईशा प्रीमियम और कैपिटल लेकर आई है कैश में, ठीक है। पहली जर्नल एंट्री हो गई, इसके बाद चले हम लोग सेकेंड जर्नल एंट्री पर। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इस प्रीमियम को, 40,000 के प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? चारू एंड दीपिका, ये दोनों हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। दीपिका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया, इस 40,000 को बांट दिया। 40,000 कैपिटल अकाउंट में कैसे बटेगा? इन दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 7:3। तो 40,000 के जरा 10 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा कितना आ गया 4,000, 4 को 7 से गुना कीजिए और 7 चौक कितना आ जाएगा 28,000, 28,000, ठीक है। और ये कितना आ गया, 4 को 3 से गुना किया तो आ गया 12,000। चलिए जी,
तो ये हमने 7:3 में प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए जी, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब आते हैं हम लोग यहां से आगे, अब बारी बारी से उन लोगों को उठा लेते हैं हम लोग। हमें जनरल रिजर्व को बांटना है ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में, ठीक है ना। यहाँ वाले इन चीजों का ट्रीटमेंट हो गया, टोटल गुडविल का तो कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं। टोटल गुडविल तो केवल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आएगी ईशा, इसके लिए हेल्प कर रहा था हमने, जो हमने कर लिया, ठीक है। अब आते हैं जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांटें। एंट्री नंबर थर्ड, जनरल रिजर्व है 1,20,000 का। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स चारू एंड दीपिका, चारू एंड दीपिका कैपिटल अकाउंट 1,20,000। किस रेशियो में बटेगा रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स का रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर्स में बटना चाहिए ओल्ड रेशियो में। तो जरा क्या कीजिए आप लोग, 1,20,000 के कितने हिस्से कर लीजिए, 5 हिस्से कर लीजिए। तो ये कितने से आ जाएगा, ये आ जाएगा एक हमारा, ये आता है 24,000 रुपए, ठीक है ना जी। 24,000 आ गया। अब 24,000 को आप क्या कीजिए, 24,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से करेंगे, 3 से। तो करके बताइए, 24,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72,000। चलिए 72,000 हम यहां बांट देते हैं, यहां दे दिया 72,000, क्योंकि 3:2 में था ना, 3 हिस्से चारों को और 2 हिस्से, 2 हिस्से कितने हो जाएंगे, 24 के 24 गुना में 2, 48,000, 48,000। चलिए तो ये भी बट गया जनरल रिजर्व। नरेशन लिखते हैं हम लोग इसकी, ये मैंने कैलकुलेशन दिखाई है आपको, आप साइड में वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं इसे। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो में हमने जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया है। अब आते हैं एंट्री नंबर 4 पर। हमने इसका भी ट्रीटमेंट कर लिया, इन दोनों का हम कर चुके हैं इन सबका। अब आते हैं पीएनएल का डेबिट बैलेंस। पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी पार्टनर्स में बांटेंगे तो क्या एंट्री होगी, पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी, ठीक है, तो उसे खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा। डेबिट कौन हो जाएंगे, पार्टनर्स, क्योंकि नुकसान है, पार्टनर्स डेबिट होंगे तभी उनका अकाउंट कम होगा। तो नाम ले पार्टनर्स का हम लोग, चारू कैपिटल अकाउंट एंड दीपिकास कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है ये, 40,000 से डेबिट हुआ है, सॉरी ये तो 40,000 से क्रेडिट होगा, 40,000 डेबिट बैलेंस था। अच्छा 40,000 को जरा 3-2 में बांटे हम लोग, तो 40,000 के हम क्या करेंगे, 5 हिस्से करेंगे। 40 के 5 हिस्से किए तो एक हिस्सा कितना आ गया, 8,000। तो 8 को 3 से गुना करें, 8 3 24, और 8 को 2 से गुना किया तो आ गया 8 2 में 16। तो ये कितना हो गया, 40,000 हो गया। पीएनएल को हमने पार्टनर्स में बांट दिया। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग पीएनएल डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलिए पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस हमने पार्टनर्स में बांट दिया। ये हो गई एंट्री नंबर 4 और हमारा पीएनएल भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन तीनों का एक साथ ही इंपैक्ट डालेगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2,00,000 रुपए और मार्केट वैल्यू कितनी है, 30, 2,30,000 रुपए। यानी 30,000 का फायदा हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना है
और साथ में कोई नुकसान तो है नहीं, तो पूरा का पूरा रिजर्व भी हमें पार्टनर्स को देना है। तो एंट्री नंबर फिफ्थ पर आते हैं, मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूँ, रिजर्व और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का इंक्रीज दोनों ही पार्टनर्स को एक साथ दो। चलो अलग अलग ही देता हूँ, फिर आपके वो पोस्टिंग में इश्यू आते हैं ना, तो अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री नंबर हम लोग कर रहे हैं, ये फोर्थ हो गई, फिफ्थ एंट्री करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास स्पेस है थोड़ा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, कितने से 30,000 से। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट्स डेबिट होंगे, एसेट है ना इन्वेस्टमेंट्स हमारे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू, ये 30,000 से बढ़ाना है, तो ये 30,000 का फायदा मिलेगा पार्टनर्स को, चारूस कैपिटल अकाउंट एंड दीपिकास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा ये फायदा रिजर्व का है, ओल्ड फायदे हैं सारे, पुरानी चीजें हैं, तो पुरानी रेशियो में बटेंगे। तो 30,000 के फायदे को भी हमें 3:2 में बांटना है, तो जरा 30,000 को 5 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 आएगा, 6 गुना में 3 18,000, और 6 गुना में 2 यानी 12,000। ठीक है, तो आपने क्या किया, बींग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में हमने इसे एडजस्ट कर दिया, फायदा था ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में इस फायदे को हमने दे दिया। अच्छा, एंट्री नंबर सिक्स पर आए हम लोग। ठीक है, सिक्स एंट्री में क्या कर रहे हैं, रिजर्व को अलग से ट्रीट कर लेते हैं, रिजर्व को भी पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था रिजर्व, 60,000 का रिजर्व है हमारा, इसे क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हैं। चारूस कैपिटल अकाउंट एंड दीपिकास कैपिटल अकाउंट कितना होगा, ये 60,000 3:2 में बांटने हैं, तो 60,000 को 5 से डिवाइड कीजिए आप, कितना आ जाएगा, 12,000 एक हिस्सा आ गया, 12 को 3 से किया तो 12 3 36,000 36,000, और 12 गुना में 2 यानी कि 24,000। ठीक है, तो आपने इस रिजर्व को भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया है। नरेशन लिख लें हम लोग, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलिए जी, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसके साथ हमने सारी एंट्रीज कर ली है, जो भी क्वेश्चन ने मांगी थी, जो भी एंट्रीज रिक्वायर्ड थी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर, आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे जरूर बताइएगा इन एंट्रीज में। हाँ जी, तो मैं आप कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल बता दूं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारा जो चैनल देख रहे हैं, चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस। ठीक है, YouTube पे हमारा ये चैनल है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, यहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, आप हमें YouTube पर इसी नाम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप YouTube पे जाइए, SR अकाउंटेंसी क्लासेस लिखिए, हमारी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी यहाँ पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस ही सर्च करना है फेसबुक पर। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मुझे बतानी है वो ये है, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कैसे मुझसे पूछ सकते हैं, जब आप वीडियोस को देखते हैं यूट्यूब पर तो नीचे कमेंट कॉलम आता है, वीडियोस के नीचे यूट्यूब पर कमेंट कॉलम आता है, वहां कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को लिख सकते हैं। हमने आपको कोई क्वेश्चन समझाया या कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कॉलम में मुझे लिख दीजिए, मैं श्योरली आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं, 9261004×7।
आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है, ठीक है। इसके बाद आप जो हमारे चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी एक अलर्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली, आपको बार बार चैनल पर जाकर देखना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कोई नया वीडियो आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड एक और बात है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वो है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या है, जब आप हमारे YouTube चैनल पर जाते हैं तो हमने चैप्टर वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप नॉर्मली हमारे चैनल पर जाएंगे तो सारे वीडियोस किसी रैंडम ऑर्डर में है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है वीडियोस का। हो सकता है 11th के बाद 12th के वीडियोस मिल रहे हो, मिक्स्ड मिलेगा। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए। सपोज आपको 11th का चैप्टर 1 देखना है तो चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए ताकि आपको सारे वीडियोस एक ऑर्डर में मिले। इसके बाद एक और चीज मुझे बतानी है आपको, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आता है, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, इससे मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरीके से आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए असेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, आगे चलते हैं, क्लासेस में मिलते हैं आप लोगों से।